जन सरोकार मंच के सभी सूफीजनों को रचना निर्मल का प्रणाम आदाब सलाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरी हौसला अफजाई के लिए जुड़ चुके होंगे। जन सरोकार मंच का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे अपनी रचनाएं, अपने भाव आप सबके सामने रखने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप धीरे धीरे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप मुझे अपना समय दे रहे हैं। जब तक एक दो का और इंतज़ार करते हैं, कुछ सूफीजन हमारे साथ और जुड़ते हैं, तब तक मैं कुछ अपने बारे में बताती हूँ। मैं प्रोफेशनली लेक्चरर हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में दिल्ली में हूँ, और मेरा साहित्यिक सफ़र कोई बहुत लंबा नहीं है, लेकिन हाँ, आप सूफीजनों का साथ मेरे साथ इतना अच्छा रहा, मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा कि मुझे कहीं नहीं लगा कि मैं नई हूँ। आप सबने हमेशा मेरा मार्ग प्रशस्त किया, मुझे सिखाया, और उसका प्रूफ है कि आपने देखिए मुझे अपने सामने भी रखने दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका। और जब तक बाकी लोग जुड़ते हैं, अगर आप इजाज़त दें देवेंद्र जी, तो मैं माँ शारदे को याद कर लूँ क्या, क्योंकि माँ शारदे के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। तो मैं माँ शारदे को याद करती हूँ। एक छोटी सी रचना है, देखें मैं ठीक से कह पाई या नहीं। माँ शारदे को याद करते हुए कहना चाहती हूँ, देखें। शारदे माँ, शारदे माँ करो आप हम पर कृपा, शारदे माँ करो आप हम पर कृपा, ज्ञान निर्मल हमें माँ सिखा दीजिए, शारदे माँ करो आप हम पर कृपा, ज्ञान निर्मल हमें माँ सिखा दीजिए, स्वच्छ यह हृदय हो प्रेम गंगधार से। बहुत बहुत शुक्रिया यावर हबीब जी, आदाब। स्वच्छ यह हृदय हो प्रेम गंगधार से, राह परमात्मा की दिखा दीजिए, शारदे माँ करो आप हम पर कृपा, ज्ञान निर्मल हमें माँ सिखा दीजिए। और अगला बंद देखें। आपसे सीखते मात यह रीत है, आपसे सीखते मात यह रीत है, शत्रु भी मित्र हो तो तभी जीत है, दीप रोशन करें, दीप रोशन करें आपकी प्रीत से, दीप रोशन करें आपकी प्रीत से, आप ऐसी बनावे सिखा दीजिए, शारदे माँ करो आप हम पर कृपा। और आखिरी बंद देखें माँ की वंदना का। शब्द संसार की आप ही खान हो। अंजलि मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ गई मेरे साथ, बहुत हौसला बढ़ रहा है आप जैसी कलमकारा गजलकारा मेरे साथ जुड़ी। और आखिरी बंद देखें माँ शारदे की वंदना का। शब्द संसार की आप ही खान हो, आपके ही वरद हस्त से मान हो, बुद्धि कुत्सित ना हो गर्व के वार से, बुद्धि कुत्सित ना हो गर्व के वार से,
आप उसकी मीठा सब त्रिखा दीजिए, शारदे माँ करो आप हम पर कृपा। ज्ञान निर्मल हमें माँ सिखा दीजिए, शारदे माँ करो आप हम पर कृपा। बहुत बहुत शुक्रिया, और संजय शुक्ला जी भी जुड़ चुके हैं जन सरोकार मंच टॉक के साथ, और मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। अंजलि जी धन्यवाद, हबीब जी शुक्रिया, और देवेंद्र जी, और मैं अब आप सबके सामने अपनी एक गज़ल रखती हूँ। गज़ल का मतलब कुछ यूं है, क्यों उसे यह गुमान होता है। गीता लखवाल जी भी जुड़ चुकी हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने ही मुझे आपसे रूबरू कराया और इतना सुनहरा मौका दिया। बहुत शुक्रिया गीता जी। और मतलब देखें, क्यों उसे यह गुमान होता है, हुस्न चेहरे की शान होता है। क्यों उसे यह गुमान होता है, हुस्न चेहरे की शान होता है। और शेर देखें, चार ईंटों को जोड़ रखने से, ये गज़ल कुछ आज के युवा पीढ़ी को देखते हुए कहा गई है। तो देखें, चार ईंटों को जोड़ रखने से घर नहीं बस मकान होता है, घर नहीं बस मकान होता है। और अगला शेर देखें, रोक लेना जवाब लब पर ही, रोक लेना जवाब लब पर ही सब्र का इम्तिहान होता है, सब्र का इम्तिहान होता है, ये नसीहत है। और अगला देखें, इंसानियत की जो कर ले कद्र, इंसानियत की जो कर ले वो ही सच्चा जवान होता है। क्यों उसे यह गुमान होता है, साथ कैसे कोई गलत का दे, साथ कैसे कोई गलत का दे, दिल कहाँ बदगुमान होता है। और मक्ता देखें मेरी गजल का, शोर धड़कन नहीं करे निर्मल, शोर धड़कन नहीं करे निर्मल, उसमें शामिल ईमान होता है। क्यों उसे यह गुमान होता है, हुस्न चेहरे की शान होता है, हुस्न चेहरे की शान होता है। बहुत शुक्रिया अंजलि जी, गीता जी, आप मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं लगातार, धन्यवाद, थैंक यू। और एक गीत रखने की कोशिश कर रही हूँ, देखेंगे, नारी हूँ तो इसलिए नारी की, इसीलिए बस ये अपनी अना को कायम रखते हुए, नारी प्रकृति को कायम करते रखते हुए कुछ कहने की कोशिश की है अपने गीत में। देखें जरा, कब जली में बता, कब जली में बता वेदना के लिए, कब जली में बता वेदना के लिए, सह रही मैं तुम्हारी अना के लिए, कब जली में बता वेदना के लिए। बहुत शुक्रिया गीता जी, अंजलि जी, बहुत शुक्रिया। और बन देखें, रीतियों की कड़ी डाल ली पांव में, रीतियों की कड़ी डाल ली पांव में, चाह है बस रहूं प्रेम की छाव में। बहुत शुक्रिया हबीब जी, गीता जी, चाह है बस रहूं प्रेम की छाव में, कह रही मैं न संवेदना के लिए, कह रही मैं न संवेदना के लिए, सह रही सब तुम्हारी अना के लिए, कह रहे कब जली में बता वेदना के लिए। देवेंद्र जी शुक्रिया। और देखें अगला बंद, देखें,
दर्प से चूर फुफकारते आज भी। मेरा मानना है कि नारियां बहुत आगे पहुंच गई और हमारे भाई थोड़ा सा पीछे रह गए, तो कुछ कहने की कोशिश की है। आप देखें अपने आस पड़ोस में कहाँ ये कमी अभी भी है। दर्प से चूर फुफकारते आज भी, बेटियां कोख में मारते आज भी, हाथ बांधे खड़ी, हाथ बांधे खड़ी जाचना के लिए, से रही सब तुम्हारी अना के लिए, कब जली में बता वेदना के लिए। और आखिरी बंद देखे, जन्म मैंने दिया नाम तेरा लिया, जन्म मैंने दिया नाम तेरा लिया, जब बड़े हो गए पूछते क्या किया, जब बड़े हो गए पूछते क्या किया, लूटते हो सभी, लूटते हो सभी भावना के लिए, सह रही सब तुम्हारी अना के लिए, कब जली में बता वेदना के लिए, कब जली में बता वेदना के लिए, सह रही मैं तुम्हारी अना के लिए, कब जली में बता वेदना के लिए। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे नारी मन को। कवि कमलेश संजीदा जी भी हमारे बीच आ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश जी। आप सब निरंतर, अंजलि जी, देवेंद्र जी, गीता जी, बहुत सब आप मेरा ऐसे हौसला बढ़ा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और एक नवगीत कहने की कोशिश की है, नारी मन को ही कहने की कोशिश की है, लेकिन इसमें देखें थोड़ा सा किसको छूने की कोशिश की है और बताएं मैं उसको सही से छू पाई कि नहीं। भैया दीदी दोनों किस, भैया दीदी दोनों के संग परियों जैसी पल रही थी, भैया दीदी दोनों के संग परियों जैसी पल रही थी, अम्मा बाबा के आंगन की, अम्मा बाबा के आंगन की सबसे प्यारी मैं कली थी। आंटी आप जुड़ गई, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया। भैया दीदी दोनों के संग परियों जैसी पल रही थी, अम्मा आंग बाबा के आंगन की सबसे प्यारी मैं कली थी। और बन देखे, सोती थी मैं तारे गिन गिन, मर्म तक पहुंचने की कोशिश करें। सोती थी मैं तारे गिन गिन, बिखरे जहां चांदनी किन किन मिन, सोती थी मैं तारे गिन गिन, बिखरी जहां चांदनी किन मिन, आया फिर तूफान भयानक छीना बचपन को अचानक, आया फिर तूफान भयानक छीना बचपन को अचानक, बीती आधी रात थी काली, जाने का माली। आप महसूस करने की कोशिश करें कि कितना दर्द लेकर मैंने इसको लिखा है, वो दर्द मैं अपना बयान कर पाई कि नहीं। बीती आधी रात थी काली, जाने कहाँ से आया माली, खींच हथेली रखे अंगार, हाय मैं कैसे हुई लाचार, निर्मम चांद ताक रहा था,
निर्मम चांद ताक रहा था और मैं डर से सिसक रही थी। भैया दीदी दोनों के संग परियों जैसे पल रही थी। अम्मा बाबा के आंगन की सबसे प्यारी मैं कली थी। अब्दुल जी बहुत शुक्रिया, अंजलि जी बहुत शुक्रिया, बहन आप जैसे बड़े गज़लकार रचनाकार कारा अगर मेरा हौसला बढ़ाएं तो इससे बड़ी बात नहीं। और अगला बंद देखें ज़रा थोड़ा सा, अब वो कुछ कहना चाहती है, बच्ची है उसे नहीं पता है, वो कुछ कह रही है। कब तक रह लूँ मैं बन अबला, कब तक रह लूँ मैं बन अबला, कैसे मैं बतलाऊँ वेदना। कब तक रह लूँ मैं बन अबला, कैसे मैं बतलाऊँ वेदना। अब हर नर से पूछ रही मैं, अब हर नर से जाने कब आएगी चेतना। पूछ रही मैं अब हर नर से जाने कब आएगी चेतना। क्यों बनते तुम इंसान नहीं, क्यों बनते तुम इंसान नहीं, करते नारी का मान नहीं। मैं ही वो पावन गंगा हूँ, मैं ही वो पावन गंगा हूँ, जो धोती तेरा यह पाप नहीं। मैं ही वो पावन गंगा हूँ, जो धोती तेरा यह पाप नहीं। आँखों में भर ज्वाला मैं, आँखों में भर ज्वाला मैं, रणचंडी सी भड़क रही थी। संजय जी बहुत आभार, कवि कमलेश जी बहुत आभार, जीतू जी शुक्रिया। आँखों में भर ज्वाला मैं, रणचंडी सी भड़क रही थी। अम्मा बाबा के आंगन की सबसे प्यारी मैं कली थी। और आखिरी बंद देखें, नवगीत की खासियत है कि वो कुछ छोड़कर जाता है संदेश, तो वही संदेश देने की कोशिश की। देख लिया बहुत ढोंग तुम्हारा, देख लिया बहुत ढोंग तुम्हारा, सुन लिया सब ढोल नगाड़ा। ढोंग तुम्हारा सुन लिया सब ढोल नगाड़ा, अब शिक्षित हो पूरा परिवार, बेटा भी सीखे सभ्याचार। अब शिक्षित हो पूरा परिवार, बेटा भी सीखे सभ्याचार। मत हो ना तुम चिंतन शून्य, मत हो ना तुम चिंतन शून्य, जीवित रखना मानव मूल्य। आँखों पे काली पट्टी, आँखों पे काली पट्टी बांधे वो बहरे जग से पूछ रही थी। आँखों पे काली पट्टी बांधे वो बहरे जग से पूछ रही थी। अम्मा बाबा के आंगन की सबसे प्यारी वो कली थी। भैया दीदी दोनों के संग परियों जैसी पल रही थी। बहुत शुक्रिया, अगर आप समझ पाए मेरे दर्द को, और जो भी हमारी बेटियां या हमारा समाज सह रहा है, और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने परिवार में इस संदेश को फैलाएं कि दोनों का ही शिक्षित होना, दोनों को ही सभ्य रहना बहुत ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया सैयद शाहीन जी, और माहौल कुछ मैंने थोड़ा ऐसा कर दिया। अब मैं सावन की शुभकामनाएं देती हूँ, थोड़ा सा माहौल को हल्का करती हूँ। देखें एक सावन के ऊपर कुछ कहने की कोशिश की है। पुराने क्यों खफा है मेरा दिल डरा डरा है, वो जाने क्यों खफा है मेरा दिल डरा डरा है। आई सावन की बरसात, हुई ना देख पिया से बात। आप सबको सावन की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं, हरियाली तीज की भी, और सावन की बात करती हूँ। आई सावन की बरसात, हुई ना देख पिया से बात, मैं जाने क्यों खफा है मेरा दिल डरा डरा है, वो जाने क्यों खफा है
मेरा दिल डरा डरा है। और अगला देखें, गिरी जब बारिश की बूंदे रही मैं आंखों को मूंदे, गिरी जब बारिश की बूंदे रही मैं आंखों को मूंदे, घिरा तम बढ़ रहा है, घिरा तम बढ़ रहा है, हुआ मन बावरा है। जी बहुत शुक्रिया प्रज्ञा जी, बहुत शुक्रिया। मेरा दिल डरा डरा है, वो जाने क्यों खफा है। और आखिरी बंद देखें, सुनो अब कोयल भी बोले, जिया के भेद क्यों कोले, सुनो अब कोयल भी बोले, जिया के भेद क्यों कोले, कहीं चकोरा रो रहा है, चांद भी मसखरा है, मेरा दिल डरा डरा है, वो जाने क्यों खफा है, मेरा दिल डरा डरा है, वो जाने क्यों खफा है, मेरा दिल डरा डरा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर थोड़ा सा मैं माहौल को ठीक कर पाई, क्योंकि दोनों ही बातें ज़रूरी हैं, खुशी और गम दोनों साथ चलते हैं। और सावन की जब बात छेड़ी है तो सावन तो बहकाने का ही नाम है, सावन का इंतज़ार सबको बहुत खूब रहता है, हर कोई नाच उठता है जी। तो एक और छोटी सी कविता रखने की कोशिश की है तहत पर, देखें वो संयोग रस पर रखी है, श्रृंगार रस को व्यक्त करने की कोशिश की है। अंजलि जी, संजय जी, गीता जी, देवेंद्र जी, कवि संजीदा जी, देखें मैं रख पाई कि नहीं। बहुत शुक्रिया, आप लगातार मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। देखें, देखो ना ये बहकी हवा, देखो ना ये बहकी हवा बिखेरती है जुल्फें, आकर संवारो ना। क्योंकि सावन के गीत में देखिए दिल डरा डरा था, तो नारी मन के बहुत सारे पैंतरे हैं, तो एक पैंतरा वो ये भी रखने की कोशिश कर रही है। और देखें, और हम सब बखूबी जानते हैं ये पैंतरा बहुत काम करता है, तो उसी को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। देखो ना ये बहकी हवा बिखेरती है जुल्फें, आकर संवारो ना, समझो ना, समझो ना आँखों के इशारे, समझो ना आँखों के इशारे बुलाते हैं तुम्हें, समझो ना आँखों के इशारे बुलाते हैं तुम्हें, खोलकर किवाड़ को रोको ना मेरे बहके कदमों को, रोको ना मेरे बहके कदमों को जो पायल की रुंझुन से, रोको ना मेरे बहके कदमों को जो पायल की रुंझुन से ले जाते हैं तुम्हारे तक, चुप कराओ ना चूड़ियों की खनखन को, चुप कराओ ना चूड़ियों की खनखन को करती है चुगली, चुप कराओ ना चूड़ियों की खनखन को करती है चुगली हमारे मिलन की, कहो ना मुस्कान को, कहो ना मुस्कान को बिन बुलाए होठों पर, बिन बात होठों पर आकर बनाती है दीवाना, कहो ना मुस्कान को बिन बात होठों पर आकर बनाती है दीवाना, मनाओ ना चांदनी को, मनाओ ना चांदनी को जाए ना आज, मनाओ ना चांदनी को जाए ना आज शहर के लिए, देखो ना ये बहकी हवा बिखेरती है जुल्फे, देखो ना बहती हवा बिखेरती है जुल्फे आकर सवार होना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हबीब भाई। मेरा जो साहित्यिक सफ़र है वो अगर मैं सही से बताऊं तो 1.5 साल का ही है। मैंने 1.5 साल इससे पहले कभी सोचा ही नहीं कि मुझे कुछ लिखना है, कुछ करना है। बस आप सब सुधीजनों का साथ मिलता गया, आप सब मेरा हाथ पकड़ते गए और मुझे थोड़ा सा कुछ कहने लायक आपने बना दिया।
और आगे भी मैं उम्मीद करूंगी, अंजलि जी संजय जी लगातार जानते हैं कि कितना वो मुझे लगातार सपोर्ट करते रहते हैं, मुझे समझाते रहते हैं, और मैं उनके मार्गदर्शन की हमेशा से ही अभिलाषी रही हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनकी वजह से आज आप मुझे सुन रहे हैं। हबीब जी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अब एक गज़ल और कहने की कोशिश की है, देखें ज़रा गज़ल को। गज़ल मेरी इस बात पर है कि हम समझें कि रिश्तों में भी हक ज़रूरी नहीं है। हमारा कोई भी रिश्ता हो, मोहब्बत का कितना गहरा ही रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन वहाँ पर भी यस और नो की ज़रूरत है। हमें नो या यस पूछना है। तो कुछ ऐसे ही कहने की कोशिश की है। उम्र के पड़ाव पर, ऐसे पड़ाव पर हम आ गए हैं कि कुछ ऐसी बातें हम कर ही लेते हैं, तो बस कुछ कहने की कोशिश की। लगातार आप सब मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, बहुत शुक्रिया। देखें, मोहब्बत की शरीयत में अमल होता है वाजिब क्या? मोहब्बत की शरीयत में अमल होता है वाजिब क्या? ज़बरदस्ती किसी पर हक, ज़बरदस्ती किसी पर हक जताना है मुनासिब क्या? देखिए मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, बताएं। हिसाबे उम्र में निकले मेरा शेर, देखें। हिसाबे उम्र में निकले खसारे ही खसारे क्या, हुस्ने मतला है ये। हिसाबे उम्र में निकले खसारे ही खसारे क्या, तभी सारे जहाँ के गम हुए मुझसे मुखातिब क्या। अंजलि बहन बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखें उसने मतलब, देखें। हिसाबे उम्र में निकले खसारे ही खसारे क्या, खसारे घाटे। हिसाब किताब करने बैठी हूँ इस उम्र में तो घाटे ही निकल रहे हैं, और समझा भी रही हूँ दिल को। सानी देखें, तभी सारे जहाँ के गम हुए मुझसे मुखातिब क्या, कभी तोला है सिक्कों में। देखें जरा इस शेर की संजीदगी देखने की कोशिश करें। कभी तोला है सिक्कों में कभी तौहीन की मेरी, कभी तोला है सिक्कों में कभी तौहीन की मेरी, बता दो ये समझते हो मुझे अपना मुहासिब क्या, बता दो ये समझते हो मुझे अपना मुसाहिब क्या, यहाँ क्यों चल रहे हैं। देखें ज़रा, यहाँ क्यों चल रहे हैं तेरे मेरे इश्क के, यहाँ क्यों चल रहे हैं तेरे मेरे इश्क के चर्चे, इशारा हिचकियों ने तेरी जानिब, इशारा हिचकियों ने कर दिया है तेरी जानिब क्या। और देखें अंतिम बंद, देखें। सबक जीने का देते हो कभी इसको कभी उसको, ये मैंने खुद अपने आप से कहा है कि सबक जीने का देते हो कभी उसको कभी इसको, कभी खाई है तुमने अपनों से ठोकर भी साहिब क्या, कभी खाई है तुमने अपनों से ठोकर भी साहिब क्या। मोहब्बत की शरीयत में अमल होता है वाजिब क्या, ज़बरदस्ती किसी पर हक जताना है मुनासिब क्या। उम्मीद है कि मैं गज़ल अपनी रख पाई होंगी, और बहुत शुक्रिया आप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, मेरा हौसला बढ़ाते चले जा रहे हैं। और एक गीत और कहने की कोशिश की है, देखें। गीत से पहले मैं अपनी माँ के लिए कुछ कहना चाहूँगी। देखें ये मुझे लगता है कि हम माँ होती ही ऐसी है, हमारी क्या आपकी क्या, माँ की फितरत ही है। दो पंक्तियों में माँ को कहने की कोशिश की है। माँ मेरी कुम्हार तो नहीं जो जलती है रात दिन मेहनत की भट्टी में बनाती। माँ मेरी कुम्हार तो नहीं, मेरा मानना है माँ कुम्हार होती है। उम्मीद है आप भी मेरे से सहमत होंगे। माँ मेरी कुम्हार तो नहीं जो जलाती है रात दिन,
मेहनत की भट्टी में बनाती अपनी चाक की कोख से, बनाती अपनी चाक की कोख में कुछ निराले से खिलौने, आकार देती अलग अलग, कुछ निराले से खिलौने आकार देती अलग अलग, भरती खुशियों के रंग, इबादती इबारती संस्कारों की कूची से, इबादती इबारती संस्कारों की कूची से, ताकि कभी फीका ना हो रंग, और बना सके हकीकत बिखेर सके रंग बिरंगे ख्वाबों। यही कोशिश करती हैं, और इसी के साथ अब मैं एक गीत कहने की कोशिश कर रही हूँ। देखें, गीत है जीवन की कूची से यारो, जीवन की कूची से यारो, सपने रंगने बैठी हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सब, हबीब भाई, संजीदा जी, शुक्ला जी, संजय शुक्ला जी, गीता जी, लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, अंजलि जी। देखें जरा, जीवन की कूची से यारो, सपने रंगने बैठी हूँ, कुछ गहरे कुछ फीके रंग, बैठी हूँ जीवन की कूची से यारो, सपने रंगने बैठी। देखिए, मैं बारी बारी से रंग उठाने शुरू करूंगी। आपको कौन सा रंग पसंद आता है प्लीज साथ साथ बताते जाइएगा और अपने साथ साथ भरते जाइएगा। जीवन रंगों का ही नाम है। देखें जरा, बन देखें, रंग उठाया बचपन से, रंग उठाया बचपन से, ममता में डूबा बैठा था, रंग उठाया बचपन से, ममता में डूबा बैठा था, अपने भोलेपन से वह दुनिया को कुनबा कहता था, कैसे छेड़ू उसको जो, कैसे छेड़ू उसको जो किलकारी से रंग भरता है, रंग घर आंगन में खुशियों की वो पौध लगाने बैठा है, कुछ गहरे कुछ फीके रंग लेकर सारे बैठी हूँ। कृष्ण कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और देखें, वहां से मैं आगे चल दी, घर आंगन में खुशियों की वो पौध लगाने बैठा था, छोड़ उसे मैं आगे चल दी, छोड़ उसे मैं आगे चल दी, जा पहुंची यौवन के द्वारे, छोड़ उसे मैं आगे चल दी, जा पहुंची यौवन के द्वारे, रंग वहां का प्रेम में डूबा, रंग वहां का प्रेम में डूबा, सुध बुध खोए जाता था, रंग वहां का प्रेम में डूबा, सुध बुध खोए जाता था, खिलते फूलों से जीवन के मगरिब में जा बैठा था, भर सुगंध वो झूम झूम कर, बंद भर सुगंध वो झूम झूम कर, मधुशाला में सोया था। देखें, यौवन तो ऐसा ही होता है, खिलते फूलों से जीवन के मगरिब में जा बैठा था, भर सुगंध वो झूम झूम कर मधुशाला में सोया था, कैसे छेड़ू उसको जो, कैसे छेड़ू उसको भी विरहा की अग्नि में जलने को, रात चांदनी की यादों में उसको हर पल रोने को, जीवन की कूची से यारो, सपने रंगने बैठी हूँ, कुछ गहरे कुछ फीके रंग लेकर सारे बैठी हूँ, छोड़ उसे मैं आगे चल दी। देखिए, उसे भी छोड़ दिया, मन नहीं किया कि जो अपने जीवन की खुशियों में सपने बुन रहा है उसको मैं विरह में झोंक दूं, तो उसको भी छोड़ दिया मैंने, छोड़ उसे मैं आगे चल दी, जा पहुंची प्रौढ़ों की नगरी। अब हम अपने द्वारे पर आ गए हैं, छोड़ उसे मैं आगे चल दी, जा पहुंची प्रौढ़ों की नगरी, कूची कुछ संजीदा थी, कूची कुछ संजीदा थी, अशकों में डूबी बैठी थी, कूची कुछ संजीदा थी, अशकों में डूबी बैठी थी, सोच रही थी धुआं भरूं,
सोच रही थी धुआं भरूं या धुंध भरूं, आते जाते रंग है सारे, झूठ भरूं या सच भरूं। सोच रही थी धुआं भरूं या धुंध भरूं, आते जाते रंग है सारे, झूठ भरूं या सच भरूं। कैसे छेड़ूं उसको जो प्रेरणा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहन, तूने समय निकाला। कैसे छेड़ूं उसको जो माया की गठरी बांधे था, सुख दुख की नावों में चढ़कर, सुख दुख की नावों में चढ़कर बीच भंवर में डूबे था। छोड़ उसे मैं आगे चल दी, छोड़ उसे मैं आगे चल दी, जा पहुंची वृद्धों की नगरी। देखिए अपनी इस उम्र में भी इतना कंफ्यूजन था, उस कंफ्यूजन को मैं और कहाँ अपने सर लेती, तो मैंने उसे भी छोड़ दिया। अब मैं अपने से बड़ों के पास गई। बहुत शुक्रिया हबीब भाई, आप लगातार मेरा हौसला बढ़ा रहे। अंजलि बहन धन्यवाद, प्रेरणा और गीता जी, देखें अगला बंद देखें। छोड़ उसे मैं आगे चल दी, फिर पहुंची वृद्धों की नगरी। संजय जी शुक्रिया। रंग उठाया भक्ति का, रंग उठाया भक्ति का, जो प्रेम में डूबा बैठा था, जीवन की चक्की में पिसकर उजला होकर निकला था। कैसे छेड़ूं उसको जो, कैसे छेड़ूं उसको जो उससे जुड़कर बैठा है, आत्मलीन वो होता जाता, ज्ञान का दीप जलाता है। छोड़ उसे मैं आगे चल दी। प्रेमलता जी, रंजय रॉकी जी, मैंने उसे भी छोड़ दिया। देखें गीत का आखिरी बंद देखें। छोड़ उसे मैं आगे बढ़ ली, अब पहुंची अंतर की नगरी। अब देखें मैं अपने, छोड़ उसे मैं आगे चल दी, अब पहुंची अंतर की नगरी। देखा दुनिया खेल तमाशा, देखा दुनिया खेल तमाशा, आशा और निराशा है में डूबी दुनिया, केवल ढोल और ताशा है। कोरा जीवन कोरी चादर, कोरा रंग ही अच्छा है। कोरा जीवन कोरी चादर, कोरा रंग ही अच्छा है। इंद्रधनुष की छटा समेटे, श्वेत रंग ही सच्चा है। कूची अपनी उसको दे दी, कूची अपनी उसको दे दी, जो सबको रंगने बैठा है। धूप छाव जीना मरना, धूप छाव जीना मरना, उसका ही सारा खेला है। अंतस को रंगने की खातिर, अंतस को रंगने की खातिर, उसकी होने बैठी हूँ मैं, खुद को रंगने बैठी हूँ मैं, खुद को रंगने बैठी हूँ, जीवन की चारों सपनों को रंगने बैठी हूँ, कुछ गहरे कुछ पीके रंग लेकर सारे बैठी हूँ। जी संजय शुक्ला जी, उम्र के हर पड़ाव को कहने की कोशिश की है कि अंत में सिर्फ हमें अपने को ही देखना है, और बहुत शुक्रिया। एक कविता कोशिश की है करने की, जोड़ने की। अगर देखें आजकल आपको पता है तनाव और टेंशन्स चल रही हैं लगातार, उसको लेकर मैंने कुछ कहने की कोशिश की है। हो सकते हैं यहाँ पर आपके और मेरे विचार थोड़े से अलग हो जाएं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर बताएं मुझे कि मैं सही हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरा मानना ये है कि थोड़ा बहुत तनाव बुरा नहीं है। तो नूतन जी बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी मेरे साथ। प्रेरणा धन्यवाद। देखें छंदमुख कविता है तनाव, इसके बाद मैं अपनी गज़ल कहने की कोशिश करूँगी तरन्नुम में। तो एक छोटी सी तनाव, क्या है तनाव, क्या है तनाव, टेंशन, मैं और पर का संबंध। क्या है तनाव, टेंशन, मैं और पर का संबंध, एक डर एक खतरा, अहम का आत्मसमर्पण विशिष्टता के साथ। मेरा मानना यह है कि टेंशन तब शुरू होती है जब हम अब झुकना तो चाहते हैं लेकिन कितना झुकना है उसमें हमें कंफ्यूजन होता है। तो अहम का आत्मसमर्पण विशिष्टता के साथ, बस यहीं से शुरू होता है तनाव।
जो डालता है जाल बच्चों से बड़ों पर, अमीरों से गरीबों तक, मन से शरीर तक, छीन लेता है सांसों की पेंशन, क्योंकि भैया तनाव तो बीमारियां लेकर आता है, छीन लेता है सांसों की पेंशन, जो देख नहीं पाता विचारों का चित्रहार, करने लगता है प्रतिक्रियाओं से प्यार, जो देख नहीं पाता विचारों का चित्रहार, करने लगता है प्रतिक्रियाओं से प्यार, होती है उसे टेंशन दूर करने की भी टेंशन, होती है उसे टेंशन दूर करने की भी टेंशन, बस चल पड़ता है यहीं से उसे टेंशन को दूर करने का टेंशन, और चल पड़ता है यहीं से वो वैचारिक यात्रा पर सृजनशीलता की। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जब वो वैचारिक यात्रा पर चलता है तो वो कुछ बनाता है सृजनशीलता की ओर, उद्देश्य पूर्ति की ओर, क्योंकि अगर तनाव ना हो, विचार ना हो, तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, हम कुछ करेंगे ही नहीं। पीने लगता है टॉनिक जोखिम का, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, इसी तनाव से लेता है प्रेरणा खाने में नमक की तरह। देखिए, हमें कितनी प्रेरणा लेनी है, हमें कितना तनाव चाहिए खाने में नमक की तरह। सच एक पक्षी ही तो है तनाव, आता है विचारों की खिड़की से मेहमान बनकर, तो बस कीजिए स्वागत, नाच कर गा कर कसरत करके, जब तक आपको अच्छा लगे इस मेहमान का स्वागत कीजिए, दूर कीजिए भावों की घुटन, और जब ये करने लग जाए नकारात्मक तो बाहर कर दीजिए उसे मन की खिड़की से। उम्मीद है कि आप ज़रूर इसे मानेंगे, और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं एक गज़ल ज़रूर रखूँगी तरन्नुम में, देखें गज़ल का मतला देखें, और सावन है तो फिर वापस सावन की ही बात कर रही हूँ। देखें, ए आईने ज़रा तू प्यार से सवार मुझे, ए आईने ज़रा तू प्यार से सवार मुझे, किसी की हाँ कहे सुन आज इंतज़ार मुझे, ए आईने ज़रा तू प्यार से सवार मुझे, ए आईने ज़रा तू प्यार से सवार मुझे, किसी की हाँ कहे सुन आज इंतज़ार मुझे। और शेर देखें अगला। बहुत शुक्रिया हबीब भाई, गीता जी, नूतन जी, संजीदा जी, बहुत शुक्रिया प्रेरणा, अंजलि जी। कभी है चांद की चाहत कभी सितारों की करार की भी अदा करती बेकरार मुझे, ए आईने ज़रा तू प्यार से संवार मुझे। और ये हम घर में पता नहीं कितनी बार बोलते हैं या सुनते हैं। देखें, मैं सच बोल रही हूँ, आप भी झांकें, देखें बताएं। सुनो जिए जियो जी की भी शान खूब मगर कभी तो नाम ले मेरा भी तू पुकार मुझे, ए आईने ज़रा से प्यार से संवार मुझे, किसी की हाँ कहे सुनना जे इंतज़ार मुझे। अदा के तीर चलाए नशीली आँखों से बनाया फिर बड़े ही प्यार से शिकार मुझे। बहुत शुक्रिया प्रेरणा, थैंक यू गीता जी, संजय जी, अंजलि जी, देवेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हबीब भाई, शुक्रिया।
धन्यवाद। और अगला शेर देखें। उतर के आसमां से, उतर के आसमां से चांद मेरे घर आया, उतर के आसमां से चांद मेरे घर आया, कोई तो वसल की अब रात दे उधार मुझे, कोई तो वसल की अब रात दे उधार मुझे, मैं तेरे हुक्म की, देखें ज़रा, मैं तेरे हुक्म की तामील के लिए हूँ मगर, मैं तेरे हुक्म की तामील के कभी कभार बिना काम ही पुकार मुझे, कभी कभार बिना काम ही पुकार मुझे। और देखें अंतिम, देखें अब हुस्न के नखरे हैं भाई, देखें कितने सहे जाते हैं। और अंतिम देखें वो क्या कहती है, चले ही जाओ नहीं आना तुम दोबारा यहाँ, चले ही जाओ नहीं आना फिर दोबारा यहाँ, रहा न तेरी मोहब्बत पे एतबार मुझे, रहा न तेरी मोहब्बत पे एतबार मुझे, ए आईने जरा तू, ए आईने जरा तू, ए आईने जरा तू प्यार से संवार मुझे, किसी की हाँ कहे सुनना जे इंतजार मुझे, किसी की हाँ कहे सुनना जे इंतजार मुझे, किसी की हाँ कहे सुनना जे इंतजार मुझे। उम्मीद है ये गज़ल पसंद आई होगी आपको, और बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद, आप लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। और मैं अपना परिचय देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नूतन जी बहुत शुक्रिया, लगातार आप सब मेरा हौसला बढ़ाते रहे, और बस मैं दोबारा इन पंक्तियों के साथ अपने आप को विराम देती हूँ। ना है वास्ता मेरा धर्म से, देखें शेर की दो लाइनें देखें और मेरी फितरत को समझने की कोशिश करें कि मेरी सीरत किस तरह की है। ना है वास्ता मेरा धर्म से, ना यकीन है मुझे जात पर, ना है वास्ता मेरा धर्म से, ना यकीन है मुझे जात पर, मैं खुदा का बंदा हूँ दोस्तों, मैं खुदा का बंदा हूँ दोस्तों, मुझे फ़ख्र है इसी बात पर, मुझे फ़ख्र है इसी बात पर। बहुत बहुत शुक्रिया, जन सरोकार मंच टोंकी में बहुत बहुत आभारी हूँ, और आप सबकी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि 5 मिनट ऊपर हो गए और फिर भी आप मेरे, बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने बड़े बड़े गुणीजन सुधीजन जुड़े हैं और 1.5 साल के बच्चे का हौसला बढ़ा रहे हैं। और आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि लगातार आप मेरा हौसला इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे, मेरा मार्गदर्शन करते चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, सलाम, धन्यवाद, देवेंद्र।